और अब बात गुपकार गठबंधन की, जिसकी आज अहम बैठक श्रीनगर में होने जा रही है। करीब एक घंटे बाद गठबंधन की सभी छह पार्टियों के नेता मीटिंग करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते को लेकर राय बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं की 24 जून को बैठक बुलाई है, लेकिन अभी तक गुपकार की सभी पार्टियों की सहमति इस पर नहीं बनी है। इसी मुद्दे पर श्रीनगर में अहम बैठक हो रही है। दुविधा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने है, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होने का फैसला अब तक नहीं लिया है, लेकिन गठबंधन की अन्य पार्टियां बातचीत के लिए सहमति जता चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 24 जून को दिल्ली में आल पार्टी मीटिंग को लेकर दिल्ली से कश्मीर तक हलचलें तेज हैं। दरअसल आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, जब गुपकार अलायंस के साथ संगठन जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल है, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर मिलेंगे। क्योंकि पीडीपी ने भी साफ किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई 24 जून की मीटिंग को लेकर रणनीति आज ही तय होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से कश्मीर से बाहर हैं, वो कश्मीर आज पहुँचे और आज ही ये बैठक होगी और इसी में तय होगा कि गुपकार एलायंस, जो कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 7 राजनीतिक दलों ने बनाया था और जिनकी पहली मांग थी कि जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटा है उसको बहाल किया जाए, उसके लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से पहुंची है। लेकिन आज की मीटिंग को लेकर जहाँ एक तरफ एजेंडा अभी साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री किस बात को लेकर जो है विचार विमर्श जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से कर रहे हैं, उस बीच महत्वपूर्ण ये भी होगा कि क्या गुपकार अलायंस की पार्टियां पार्टियों के तौर पर अलग अलग प्रधानमंत्री की इस बैठक में शामिल हो गए क्योंकि सभी को न्योता मिला है, या फिर वो गुपकार अलायंस में किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं जिसकी अटकलें ज़्यादा हैं और वही प्रधानमंत्री की इस बैठक का हिस्सा बनेगा। लेकिन जिस अंदाज से अफवाहें हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर राज्य का दर्जा देने पर विचार विमर्श हो रहा है, कई लोगों का कहना है कि चुनाव ही जो प्रायोरिटी है, वहां पर आज की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि गुपकार अलायंस जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बना था, उसकी तरफ से प्रधानमंत्री की पहली बार 2 साल में इस आल पार्टी मीटिंग में मुद्दे क्या उठाए जाएंगे। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। दिल्ली में आज शाम 4 बजे शरद पवार के घर बड़ी बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग विरोधी पार्टियों की है, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि पवार अब सियासी पावर दिखाने के मूड में हैं। राष्ट्रीय मंच के बैनर तले आप से लेकर टीएमसी आरजेडी समेत दलों की बैठक बुलाई गई है। सबसे अहम मुद्दा 2024 का आम चुनाव है, जिसके लिए एनडीए का विकल्प बनाने पर चर्चा हो सकती है। तो शरद पवार के साथ मुलाकात में कौन कौन नेता शामिल हो सकते हैं, उनकी भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीए से अलग, बीजेपी से अलग, एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज। प्रशांत किशोर के साथ इससे पहले शरद पवार की मुलाकात हुई थी, लेकिन अब देखिए फारूक अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा, ये तमाम, हालांकि इससे पहले टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी, ये सब शरद पवार के साथ इस मीटिंग में हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, कांग्रेस अभी तक के हिसाब से इस मुलाकात में शामिल है। अब एजेंडा क्या है इस मुलाकात का, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, विपक्षी दलों को एकजुट करना, कांग्रेस मुक्त मोर्चे की तैयारी, और यही वजह है कि कांग्रेस के बगैर शरद पवार इस तीसरे मोर्चे को बढ़ा रहे हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी और आगे की तैयारी को लेकर ये अहम बैठक। पवार साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष की एकता के लिए वे काम करेंगे। निश्चित रूप से सिर्फ ये राजनीतिक दलों की बैठक नहीं, बुद्धिजीवी इसमें है, पूर्व चुनाव आयोग इसमें है, कई अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो हमें लगता है पहले परिस्थिति पे चर्चा होगी, लेकिन निश्चित रूप से विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम आने वाले दिनों में पवार साहब करेंगे। विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रयास होगा, पहले भी कहा गया है, उसकी कवायद शुरू होगी और सभी को इकट्ठा करके हमें लगता है कि जिस तरह से परिस्थितियां बनेगी हम आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र संभल नहीं पा रहा है, कांग्रेस एनसीपी शिवसेना
रोज एक दूसरे को कोसती है, चप्पल दिखा रही है। कोरोना का मृत्यु का तांडव घोटाले शुरू है और उस समय पर हमारे शरद पवार साथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सभी विपक्ष को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे एक आओ अनेक आओ, साथ में मिलकर आओ। मोदी जी का कोई जवाब नहीं हो सकता।